अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी रुबाब मलिक हेयर, योर जूलॉजी टीचर. सो वी आर हेयर टू स्टार्ट आवर सिलेबस विद आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ होम्योस्टेसिस. तो सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है. तो अगर मैं सिर्फ एक वर्ड में बताऊँ कि सिर्फ इस वर्ड का मतलब क्या है, तो सिंपल, टू स्टे द सेम. ठीक है, सेम रहना, एक जैसा रहना, बैलेंस में रहना, कैन से ना एक्सीड होना ना कम होना किसी चीज़ का. अब किस चीज़ का, वो हम बात करते हैं आगे. सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स, यानी हमारी बॉडी में जितने भी मैकेनिज़म्स हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, रेगुलेशन हो रही है किसी भी चीज़ की, सॉल्ट की, वाटर की, जो हम खा रहे हैं, हमारे फूड की, हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस दौरान ऑक्सीडेशन हो रही है हमारे फूड की और हमें एनर्जी मिल रही है. तो ये तमाम क्या है, ये मैकेनिज्म है और इनकी रेगुलेशन होना ज़रूरी है. यानी ये रेगुलेटरी तौर पर तरीके से काम करते रहें, तो उसके लिए कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करे, ये तमाम चीज़ें बैलेंस में करवाए, इक्वल अमाउंट में करवाए. तो वो तमाम सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सुइटेबल लिमिट्स. यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना, सुइटेबल लिमिट के अंदर रखना, हमारे पास क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस. यानी कोई भी चीज़ किस में रहेगी, बैलेंस में रहेगी. अब उसको बैलेंस में रखने के लिए जो जो काम हो रहे हैं, जो जो मैकेनिज़म इन्वॉल्व हैं उसकी रेगुलेशन के लिए, उसके लिए हमने रेगुलेटरी मैकेनिज़म का वर्ड यूज़ किया है. तो क्या डेफिनेशन बन गई इसकी, सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज़म, यानी वो तमाम रेगुलेटरी मैकेनिज़म जो इन्वॉल्व हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, किसी भी ऑर्गेनिज़म्स का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करने में, किसके अंदर, विद इन सुइटेबल लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर. ताकि फॉर एग्जांपल हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करें, तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा क्या है, 98.6 फ़ारेनहाइट. अगर वो उससे थोड़ा सा भी एक्सीड करता है, वो 100 हो जाता है, तो हमारी कंडीशन कैसी हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है. हम कौन सी कंडीशन में चले जाते हैं, फीवर में, पायरेक्सिया, ऐसा ही है. और अगर वो कम हो जाता है, तो भी डेफिनेटली आप क्या होते हैं, आप लो फील करते हैं. और अगर वो टेम्परेचर कम होगा, तब भी आपके लिए वो फीवर वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उससे भी क्या होगा कि आपके जितने भी बॉडी के मैकेनिज़म हैं, वो सब नॉर्मल वर्क नहीं करेंगे. तो तमाम हमारे बॉडी के मैकेनिज़म्स जो हैं, वो सुइटेबल लिमिट्स के अंदर काम करें, उसके लिए जो चीज़ काम कर रही है, जो मैकेनिज़म हो रहा है, वो हम उसको क्या कह रहे हैं, बेसिकली होम्योस्टेसिस. अब आगे हम देखते हैं कि वो होम्योस्टेसिस में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही हैं. तो बेसिक हमारे पास तीन मज़ीद डेफिनेशन आती हैं इसमें, ओस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन. ओस्मोरेगुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तीन हैं आपके पास, 1, 2, 3, ओस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन. ओस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या इन अदर वर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर. बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स की, सॉल्यूट्स की जब हम बात करते हैं, तो हम सॉल्यूट्स में सॉल्ट को ले लेते हैं और तमाम हमारे, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो क्लियर होंगी. अगर नहीं क्लियर तो मैं आपको ज़रा सा यहाँ ओवरव्यू दे देती हूँ इसका, कि सॉल्यूट एक चीज़ है, सॉल्यूशन, ठीक है, वो हमेशा दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है. कौन से हैं दो कॉम्पोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सही. सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. सॉल्यूट इज़ ऑलवेज बींग मिक्सड इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वो मीडियम है जिसमें कोई भी सॉल्यूट मिक्स हो सकता है. आपने पानी लिया, उसमें चीनी डाल दी, चीनी क्या है, सॉल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट. आपने पानी लिया, आपने उसमें नमक डाल दिया, नमक क्या है, सॉल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट. ये तो मैं सिर्फ आपको सॉलिड और लिक्विड की एग्जांपल दी है, ये इस चीज़ से वेरी करता है, सॉलिड लिक्विड से ऊपर भी कोई भी दो आपके पास मीडियम हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, लिक्विड है, वाटर, और साथ साथ उसमें क्या होती हैं, गैसेज होती हैं. हम अगर अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें और उसमें क्या है, गैसेज हैं, तो वो किस चीज़ का मिक्सचर है आपके पास, यहाँ गैसेज क्या हैं, सॉल्यूट, और वो लिक्विड आपका क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है और लिक्विड आपका ज़्यादा क्वांटिटी में, और वो गैसेस उसके अंदर क्या हुई हुई हैं, मिक्स हुई हुई हैं. क्लियर. तो यहाँ पर भी हम क्या करें, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है कि
सॉल्ट हैं, मिनरल्स हैं, हमारे सेल के अंदर हैं, तो वो तमाम चीज़ें क्या करना, उनका बैलेंस होना। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये है कि सेल का वो प्रेशर जो उसके सोल्यूट और सॉल्वेंट को यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करें, मेंटेन करके रखे, सेल की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखे। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किसकी स्टडी करते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन में, सोल्यूट्स और वाटर की बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, या चाहे आप जब प्लांट्स में पढ़ेंगे तो प्लांट्स की बॉडी में भी। क्लियर? आगे आते हैं एक्सक्रीशन की तरफ। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ एक्सेस सब्सटेंसेस और अनवांटेड और टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में जितने भी हम मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल हमने, आपने फूड लिया, आपने खाना खाया, अब वो डाइजेस्ट हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, आपको एनर्जी मिल गई, और जो वेस्ट था डेफिनेटली वो कहाँ जाना है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। तो एक्सक्रीशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी और द बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें अनवांटेड यानी वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, अब अगर वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए तो वो टॉक्सिक भी है हमारे लिए, यानी नुकसानदेह हैं, हम उसे ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी में नहीं रख सकते हैं। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट हमेशा वो चीज़ होती है जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स मिलते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है और फिर आपको मिलते हैं प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट वो होता है जो आपको चाहिए है, आपके काम का है, सही, उसके साथ कुछ चीज़ जो बन जाती है, जो एक्स्ट्रा होती है, कभी वो आपके काम की होती भी है, कभी वो नहीं भी होती, कभी वो नुकसानदेह होती, कभी वो नुकसानदेह नहीं होती। तो वो जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, मतलब वो जो दूसरी चीज़ मिलती है मेन प्रोडक्ट के अलावा जो चीज़ें बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं, बाय प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो यहाँ जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स होंगे, टॉक्सिक डेफिनेटली वो हमारी सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह, तो दे शुड बी एक्सक्रीट आउट। तो वो सारा मैकेनिज्म किस में आ जाता है हमारे पास, एक्सक्रीशन में। थर्ड हम देखते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्म, जब ये टर्म आती है आपके सामने आपको पता लग जाता है थर्म की बात करें तो हम किसकी बात करें, टेम्परेचर की बात करें। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर अप टू अ टॉलरेबल लिमिट, यानी हम टेम्परेचर की रेगुलेशन की बात करेंगे, कहाँ तक, टॉलरेबल लिमिट, क्योंकि हर चीज़ की एक सुइटेबल लिमिट होती है, एक बैलेंस होता है जिसमें वो चीज़ नॉर्मल काम करती है। जब वो लिमिट से वो चीज़ क्या होती है, एक्सीड कर जाती है या कम हो जाती है, वहाँ पर आपके जो मैकेनिज्म होते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो थर्मोरेगुलेशन में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर की रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की डिटेल पर, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि हम ये एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन पर, डेफिनेशन आपको उसकी क्लियर हो चुकी है। क्या डेफिनेशन थी उसकी, कॉन्सेंट्रेशन इसमें हम मेंटेन करें किसकी, सॉल्यूट्स की और वाटर की, उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। एनवायरमेंट क्या चीज़ होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह रह रहा है, वो उसका जो सराउंडिंग है वो उसके लिए उसका क्या है, एनवायरमेंट है। एक पोंड है, एक तालाब है, उसमें बैक्टीरिया रह रहे हैं, या उसमें अमीबा मौजूद हैं, आपके वाटर में आपके अमीबे मौजूद होते हैं, और या उसमें फिशेस मौजूद हैं, तो वो पोंड का जो एनवायरनमेंट है, वो जो उस पोंड की कंडीशन है, वो उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, उनका एनवायरनमेंट है। अगर मैं एक अमीबा की बात करती हूँ, क्योंकि अमीबा सबसे सिंपल है, यूनिसेल्यूलर है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, मैं कहती हूँ वो पोंड के पोंड में रह रहा है, एक तालाब में रह रहा है, तो उस अमीबा का एनवायरनमेंट क्या है, वो पोंड, सही, उस पोंड की पीएच कैसी है, उस पोंड का टेम्परेचर कैसा है, उसमें और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसके उसकी उस पोंड के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसका वाटर की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, उसके एनवायरनमेंट में आ जाती है, सही। इसी तरीके से जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो एक तो हम यूँ बात करें कि हम ह्यूमन बींग हैं, हमारे सराउंडिंग की चीज़ें हमारे लिए क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, डेफिनेटली वो हम पर इफ़ेक्ट भी करता है, टेम्परेचर हो गया, अब क्या नाम है, ह्यूमिडिटी हो गई, ये और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के, वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अब मैं बात करती हूँ ह्यूमन बींग्स के सेल्स की, मैं पूरे ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रही, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गए, हम उनके सेल्स की बात कर रहे हैं। तो जो एक सेल होता है, उस सेल के आपको पता है टिश्यूज़, क्योंकि सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर आपके ऑर्गन बनाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये, मैंने सेल्स की बात की, ठीक है, तो यहाँ सेल्स के बीच में,
ठीक है, इन सेल्स के बीच में क्या मौजूद होता है हमारे पास, जो फ्लूइड मौजूद होता है इन सेल्स के बीच में, यानी यहां पर ये जो फ्लूइड है ये कहलाता है आपका टिश्यू फ्लूइड। क्या कहलाता है ये फ्लूइड? जो जो भी यहां सेल्स के बीच में मौजूद है ये फ्लूइड आपका कहलाता है टिश्यू फ्लूइड। सही, हमें पता है कि हमारे हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, फूड भी जा रहा है तो वो हर सेल तक जा रहा है ब्लड के थ्रू ऑक्सीडेशन होने के बाद। इसी तरीके से सेल के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो भी सेल से बाहर आ रहा है। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि परमिएबल इन नेचर है, सेमी परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अपने अंदर आना, कुछ चीज़ों को इसी तरीके से वाइस वर्सा अपने सेल से बाहर भी निकालती है। तो यह है कि जितने भी काम की चीज़ें हैं वो सेल के अंदर भी जा रही हैं और सेल से बाहर भी निकल रही हैं। अब बाहर निकल कर कहाँ आ रही हैं? इस टिश्यू फ्लूइड में आ रही हैं। तो डेफिनेटली इस टिश्यू फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन को मेनटेन होना ज़रूरी है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी सेल्स के लिए नुकसानदेह, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। और अगर क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम हो जाए, वाटर का ज़्यादा हो जाए इसके अंदर, तो भी नुकसानदेह। क्लियर? तो बेसिकली सेल की जब हम बात करेंगे तो सेल का एनवायरनमेंट क्या है? ये टिश्यू फ्लूइड है बेसिकली। तो इसके अंदर का एनवायरनमेंट और इसके बाहर का, मतलब इसके अंदर का जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बाहर के एनवायरनमेंट को कैसा रहना है? बैलेंस रहना है। ना यहाँ पर सोल्यूट की या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जानी चाहिए, ना यहाँ पर। अगर ऐसा होगा तो नॉर्मल सेल अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्लियर? तो अब ऑस्मो रेगुलेशन में हम आ जाते हैं अपने पास, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहेंगे, ज़मीन पर रह रहे हैं। एक्वेटिक की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्वेटिक का मतलब जो कहाँ रह रहे हैं? पानी में रह रहे हैं। सही, तो हम जब लैंड एनिमल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो सक्सेसफुल ग्रुप्स हैं, यानी कि हमारे आर्थ्रोपोड्स जो कि इन वर्टिब्रेट्स में आते हैं और उसके बाद हमारे वर्टिब्रेट्स, ये सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स हैं, यानी ज़मीन पर ये सक्सेसफुली रहते हैं। सही, तो अब ऐसा क्या है, ये कैसे सक्सेसफुली रहते हैं? तो उनके लिए इनकी ये बेसिकली इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप की हुई हैं, ये हम अभी वन बाय वन स्टडी करेंगे इनको। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ टर्म्स बताना चाहूँगी ताकि आपको बाकी ये सारी चीज़ें समझने में आसानी रहे। और वो टर्म्स हैं आपके पास ये, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। सही, हाइपोटोनिक का मतलब जब ये टर्म आएगी कहीं तो मतलब वाटर ज़्यादा है और या वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि उसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। जनरल सी एग्जाम्पल लूँ, एक कप में एक कप पानी लिया आपने, उसमें आपने एक चम्मच चीनी डाल दी, पानी ज़्यादा है चीनी कम है, सॉल्यूशन क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। चीनी की क्वांटिटी बढ़ाते रहो, सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए या उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हम उसमें पानी मिलाते हैं। आपने लैब में देखा होगा अक्सर लिखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कोई भी एसिड और डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड को अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड नहीं यूज़ करना, फिलहाल आपने उसको डाइल्यूट यूज़ करना है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड से क्या करते हैं उसकी उसको डाइल्यूट कर लेते हैं उसमें पानी मिलाकर, मेजरमेंट के साथ ही जितने भी आपको परसेंट चाहिए होता है वो, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। यानी क्यों? उसमें पानी बढ़ गया और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? उसकी कम हो गई। सही, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। जब हम हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो यानी पानी ज़्यादा और कॉन्सेंट्रेशन उसमें सॉल्यूट की कम है। हाइपरटोनिक की जब हम बात करते हैं तो पानी कम, लेस वाटर और कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज़्यादा। आइसोटोनिक की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इन सेंस के उसने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, ना ही उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और ना ही उसमें सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं आइसोटोनिक की। अब हम ऐसा करते हैं, अपनी इस वीडियो को, अपने इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये जो आप स्ट्रेटजीज़ हैं जो आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स ने
अडेप्ट की हुई हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इन टर्म को ज़रा ब्रीफली देख लेंगे. सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. Thank you.